सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। कई लोगों ने तो यह तय कह दिया कि यदि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने दिया होता तो चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भारत को पूर्ण विजय मिलती, परंतु गांधी जी के जग जाहिर नेहरू प्रेम ने इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की कंप्लीट बायोग्राफी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सरदार पटेल का जन्म 13 अक्टूबर 1875 को नादिद ग्राम में हुआ। उनके पिता झवेर भाई पटेल एक साधारण किसान थे। बचपन से अपने माता पिता का खेतों में सहयोग करते सरदार पटेल कठिन परिश्रमी और मेहनती होने के साथ ही स्कूल में होशियार और विद्वान भी रहे। सन 1986 में उन्होंने अपनी हाई स्कूल परीक्षा पास की। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें कॉलेज भेजने का निर्णय ले लिया, मगर उन्होंने कॉलेज जाने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर पैसा बहाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर पर ही रहकर तैयारी करूँगा और पास होकर दिखाऊँगा। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल 3 साल तक घर पर ही रहे और कठिन मेहनत करके जिले की नेता की परीक्षा पास करने की तैयारी में जुट गए और उन्होंने इस परीक्षा को अच्छे अंकों से पास भी किया। इसके बाद और ज़्यादा मेहनत से बैरिस्टर की उपाधि संपादन कर ली और इसी के साथ देश सेवा में जुट गए। सन 1908 में सरदार पटेल की पत्नी की डेथ हो गई। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। इसके बाद उन्होंने विवाह नहीं किया। नवंबर 1917 में पहली बार उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। वैसे बता दें कि महात्मा गांधी के वे बहुत अच्छे प्रशंसक थे और महात्मा गांधी को वो आदर्श मानते थे। 1918 में अहमदाबाद में अकाल राहत का व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन कराया, अच्छी धनराशि मंजूरी करवाई, जिससे इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी से निपटने के लिए एक अस्थायी हॉस्पिटल स्थापित किया। नो टैक्स आंदोलन का सफल नेतृत्व कर टैक्स माफ करवाया। गुजरात सभा को 1919 में गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में बदल दिया, जिसके ये सचिव बने और महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। सन 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी, धोती, कुर्ता और चप्पल अपनाई तथा विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन जिस चीज के लिए इतिहासकार हमेशा सरदार पटेल के बारे में जानना चाहते हैं, वह है सरदार पटेल और नेहरू के बीच प्रतिस्पर्धा। हर कोई जानता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल ही गांधी जी के बाद दूसरे प्रबल दावेदार थे, परंतु गांधी जी ने उनका नाम वापस दिलवा लिया। सन 1945 से 1946 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पटेल एक प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार भी गांधी जी के नेहरू प्रेम ने उन्हें अध्यक्ष बनने नहीं दिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुनाव के 25 वर्ष बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने लिखा, निस्संदेह बेहतर होता यदि नेहरू को विदेश मंत्री और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। यदि पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो वे प्रधानमंत्री पद पर जरूर पहुंचते, जिसके लिए संभवतः वे योग्य पात्र हैं। और 15 दिसंबर 1950 को इस महान नायक का निधन हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।